देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस समय ट्रैक्टर रैली के साथ साथ कई किसान इधर धरना स्थल पर भी मौजूद हैं जिनका आमरण अनशन लगातार जारी है मेरे पीछे देखा जा सकता है भूमि बचाओ घर गांव बचाओ आंदोलन चल रहा है जिसको लेकर डोईवाला के सभी किसान लगातार आंदोलन पर हैं अभी थोड़े दिन पहले राकेश टकैद भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने इन किसानों का समर्थन किया था सरकार की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है लेकिन किसान इसको इसका खंडन करते हुए लगातार अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं आज हमने ट्रैक्टर रैली भी देखी और अधिक बातचीत के लिए लोगों से बातचीत करते हैं सर सबसे पहले आप संयोजक हैं इस रैली के और किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं आगे किस तरह से आप इसको आंदोलन को बढ़ाएंगे सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर क्या कहते हैं आप हमारा जो आंदोलन है बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से पिछली पंद्रह तारीख से चल रहा है आज सातवां रोज धरने को है और पंद्रह अगस्त को ध्यान में रखते हुए एक तिरंगा यात्रा और साथ में जो हमारे खेत खलियान जो हमारे घर मकान हैं इनकी चौकीदारे की भी ये यात्रा है ये चौकीदारा कर रहे हैं चोर ने हमारा घर मकान हमारे खेत खलिम देख लिए हैं हम उसका भी चौकीदारा कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में घूम करके ताकि चोर यहाँ ना आए चोर ने रास्ता देख लिया है चोर को चोरी करने से भी रोकें ये चोर आप किसको बता रहे हैं कौन कर रहा है चोरी बच्चा बच्चा इंटरनेट चलाता है हम चोर किसी को नहीं कर रहे हैं हमारे घर में चोरी होने जा रही है हमने देखा चोर आया और हमने अपने घर की मुस्तैदी से पहरा दिया तो चोर भाग गया लेकिन मनसा उसकी पूरी है कि ये जरा से भी नींद में सोएं और मैंने इनके घरों में इनके जमीनी पे डाका मारूं हम जो हैं उसका भी एक पहरा घूम करके दे रहे हैं और बच्चा बच्चा जानता है चोर कौन है ये मैं अपनी जुबान से नहीं कहूँगा हर आदमी जान गया है कि चोर है कौन आपके कहने का क्या ये तात्पर्य है कि सरकार तो जो नीति ला रही है वो है उसके अलावा क्या भूमाफिया वगैरह भी इस क्षेत्र में हावी हो रहे हैं कब्जा करने को लेकर हैं कि इनडायरेक्टली कब्जा किया जाए भूमि पर देखिए एक जो सरकारें जो राजा प्रजा को सुख देने के लिए आता है और आप ये जानते हैं कि ये जो सरकारें हैं ये एक वादा करके आई थी कि देश से गरीबी ख़त्म करेंगे लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया गरीबी खत्म कर दिया देश से पूंजीपतियों को भरा दिया जा रहा है छोटे व्यापार को छोटे किसान को पूर्ण तौर से ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं रात और दिन यहाँ भी यही हो रहा है कि यहाँ से जो दस बीघा पाँच बीघा दो बीघा का खेती वाला जो किसान है जो खेती कर रहा है अपनी जमीन पर उसको हटा करके यहाँ बड़े बड़े भवन कंक्रीट के महल यहाँ उसारना ही चाहते हैं जिसका सीधा सीधा फायदा देश के पूंजीपतियों को देना चाहते हैं सरकार तो कह रही है कि हम तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ला रहे हैं ये कौन जो लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है ऐसा नहीं है ये सरकार बार बार गुमराह करने का कार्य कर रही है शहरी विकास मंत्री माननीय प्रेमचंद जी अग्रवाल का बयान आया कि बहुत सौभाग्य की बात है आठ जगह में से दो जगह चिन्हित तो हुई है उधम सिंह नगर देहरादून में डोई वाला तो क्या वो अपने बयान से मुकर रहे हैं हमारे सबके फोन में है उनकी क्लिप उससे पहले एक जो है बयान और आता है पेपरों की कटिंग है हमारे पास बार बार सरकार के जो जुम्मेदार जो सचिव हैं वो बयान दे रहे हैं कि जल्द ही धरातल पर विकास होता नजर आएगा डोईवाला में एक टाउन सीट जो है वो बनेगी जल्द ही धरातल पर कार्य नजर आएगा राकेश टिकैद भी आए थे अभी उन्होंने आपका समर्थन किया है आगे किस तरह से रणनीति बना रहे हैं और ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा समर्थन नहीं राकेश टिकैत जी सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ के किसानों की समस्या मेरे द्वारा सुनते हैं मैं भारतीय जिला आ, आ, किसान यूनियन में जिला अध्यक्ष हूँ मेरे द्वारा डेली का अपडेट यहाँ का लेते हैं और वो एक एक मिनट की खबर लेते हैं कितना भी कीमती उनका कहीं भी जरूरी प्रोग्राम उन्होंने एक आज जिस दिन भी सरकार तुम्हारी प्रॉपर्टी की तरफ उठा के देखेगी एक बार कॉल कर देना पूरा लाभ लश्कर लेके यहीं आके बैठ जाऊँगा ठीक है तो देखिए किसान लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई पुख्ता उनको संदेश नहीं आता है या सरकार घोषणा नहीं करती है कि किसानों का जो हक है उसको नहीं मारा जाएगा किसानों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक लगातार आंदोलन करेंगे और आने वाली पंद्रह तारीख को किसान तिरंगा रैली भी निकालने जा रहे हैं कैमरामैन अल बढ़ोनी के साथ अंकित शर्मा देहरादून दोएवाल